हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को आलू अप्पे से बनी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होगी। मैंने इसके लिए लिया है 1.5 बाउल सूजी, आधा बाउल दही, थोड़ा सा नमक स्वाद। मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें दही ऐड करूँगी। इसमें अब मैं नमक स्वाद के अनुसार, इसके लिए मैं लेती हूँ 3 से 4 बाउल पानी। इसको ऐड करना अच्छे से, जब तो मेरा वेटर अच्छा ना हो जाए, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, अच्छा बनना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा वेटर कुछ इस तरीके का तैयार हो चुका है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। बारिश का मौसम है, कुछ चटपटा खाने का मन करता है। इसके लिए मैं लेके आई हूँ न्यू रेसिपी, आपको जो बहुत ही लाजवाब लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, जब तक मेरा बेटर तैयार हो रहा है, उससे पहले मैं आलू फ्राई करूंगी। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 आलू बॉईल किए हुए। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं पैन में ऑयल डालती हूँ। इसमें मैं सबसे पहले डालती हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नून, जीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इसमें अच्छे से अपने आलू को फ्राई कर लूंगी। कुछ इस तरीके से मैश कर लूंगी। मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किया है, यदि आप चाहें इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। मेरा बैटर कुछ इस तरीके का तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड किया है, हरा धनिया थोड़ा सा। मैंने कुछ इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। चुटकी भर हींग, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इनको बनाने जा रही हूँ। जब आप बनाने चलें तभी इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर दें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू की कुछ इस तरीके से गोलियां बना ली हैं, आप भी इनको बना लीजिए ऐसे। और मैंने स्टैंड में अपनी ऑयल ग्रीस कर लिया अच्छे से, आप देखिए। इसमें थोड़ा सा वेटल डालेंगे, देखो इसको। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ सांचे में। देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से अपने स्टैंड में 1 चम्मच इसको मेटल को ऐड किया है। उसके बाद हम ये आलू की टिक्की रख देंगे सभी में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले इसमें मेटल डाला है, उसके बाद अपनी आलू की टिक्की रखी है, उसके बाद 1 चम्मच बेटर को हम फिर से इसमें ऊपर से ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने स्टैंड को 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रखती हूँ। फ्रेंड्स, आप थोड़ी देर बाद इसको खोल के देख सकते हैं कि मेरे अप्पे चाकू लगा के कि हुए कि नहीं हुए। देखिए, ये नीचे साइड कितने अच्छे से बन चुके हैं। इनको ऐसे चाकू की सहायता से पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसको खोलती हूँ। मेरे अप्पे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब मैं इनको चाकू लगा के देखूंगी, कितने स्पंजी बने हैं। देखिए, पूरी तरीके से ये बन चुके हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में।
क्या लाजवाब है। देखिए सारे अप्पे एकदम से स्पंदी हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे अप्पे पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही स्पंदी है। इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ आप सर्व कर।